तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के आज जो टॉपिक है, उस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, और इस वीडियो के अंतर्गत मैं उनकी कुछ वीडियोस भी लगाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जिस शख्स के बारे में बातें कर रहा हूँ वो कितना महान शख्स है। मोस्टली क्या होता है कि आज की जेनरेशन एक अच्छा एक्टर उसी को मानती है जिसके पास एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा बैकअप है, एक अच्छा घर है, और लगातार मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में, एक अच्छा एक्टर उसी को मानते हैं। लेकिन हकीकत में तो मैं आपको बताऊं तो एक अच्छा एक्टर वही बन सकता है जो एक अच्छा इंसान है अंदर से। जहाँ लोग बुढ़ापे में अपने माँ बाप को किनारा कर देते हैं, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, और जब भी मदर्स डे आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हैप्पी मदर्स डे का स्टेटस लगा के वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए कितना प्रेम भाव है, लेकिन असल मायने में माँ बाप को उस स्टेटस की ज़रूरत ही नहीं है जो आप दिखाना चाहते हो या बताना चाहते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक टेलीविज़न एक्टर और बॉलीवुड एक्टर हैं, इंडियन एक्टर ही हैं, उनका नाम है प्रदीप काबरा जी। उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उनकी माता जी हैं 80 से 85 साल की उम्र के बीच में उनकी उम्र होगी, और वो अपना सारा काम छोड़ के अभी अपनी माता जी के सेवा में लगे हुए हैं। उनकी कुछ वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना महान एक्टर है यार। महान मेरी नज़र में तो एक महान एक्टर यही है कि जो अपने काम के साथ साथ में भी अपने परिवार और अपने माता पिता को भी नहीं भूला है, और आप उसकी वीडियो देखना, आपको अंदाजा लग जाएगा। आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास खाने के लिए अच्छा है या कम है, जैसा भी है, आपने अपने माता पिता को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को, उनका साथ मत छोड़िए, और जहाँ तक जैसी भी परिस्थिति है उनका साथ निभाने की कोशिश करें, और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि बचपन में जिसको पाला था, बढ़ाया था, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दान दे दिया उस बच्चे के लिए, आज वो बच्चा हमारे साथ में लाठी बनकर खड़ा हुआ है। हर समय आप उनको यही एहसास दिलाते रहें कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। वाकई में यकीन मानिए, उनकी दुआएं इतनी आप लोगों के लिए काम आएंगी कि आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। अपने माता पिता को बेसहारा मत छोड़िए, उनका साथ निभाइए, उनके साथ कदम से कदम बढ़ते रहिए, और हर समय उनको ये एहसास दिलाते रहें कि आपका ये बच्चा आपके साथ में लाठी बनकर खड़ा हुआ है।